हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है कि जो वोल्टेज मीटर है और इंडिकेटर है, इसको कैसे अटैच करते हैं कि मैं सही काम करे, बढ़िया काम करे। दोस्तों, इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो होता कि जब पीछे से सप्लाई आ गया, फेस और न्यूट्रल पीएन आ गया, तो तब भी 24 घंटे चलता रहेगा पावर। वोल्टेज तो यहाँ से दबाने से चलेगा, आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। और एक होता है जब मोटर ऑन होगा तभी पावर ऑन होगा। तो इस दोनों के बारे में बताऊंगा कि कैसे अटैच करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहां से तार निकालना है एक वोल्टेज मीटर से। यहां से तार निकाल के मेरे भाइयों, ये दिया हुआ है पुश बटन, एक तार यहां पे लगा देना है। अगर आप चाहते हो वायरिंग अच्छी दिसे, तो जो भी तार लगाना है वो पूरा पूरा ही लगाएं, लूज मत छोड़ें, उससे वायरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लीजिए भाई, एक तरफ तो तार लग चुका है। अब इसी से दूसरी तरफ से ये तार का मिनती एक ले लेना। ये दोस्तों, ये तार यहां तक आ गया। अब इससे यहीं से सप्लाई और ये दोस्तों यहां पर लगा देना। ये चाहे तो आप इस यहां पर पतला तार भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई खास लोड नहीं होता है। लीजिए दोस्तों, इंडिकेटर को फेस मिल चुका है, उससे आगे अम्पेयर मीटर को भी फेस मिल चुका है। अब है न्यूट्रल की बारी, यहां पर न्यूट्रल देना है और यहां पर न्यूट्रल देना है।
तो न्यूट्रल के लिए हम तार उठाएंगे, दोस्तों ये टोटल स्टार्टर की जो वायरिंग है ये आपको तीन या चार पार्ट में दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। दोस्तों जो कंट्रोल वायरिंग होती है वो दो तरह की होती है, सी वायरिंग और डी वायरिंग। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों तरह की वायरिंग आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। कुछ मेरे मित्र सिर्फ कंट्रोल वायरिंग के बारे में पूछ लेते हैं कि कोई तार यहाँ से उखड़ गया कहाँ पे लगाएं, कोई यहाँ से उखड़ गया कहाँ पे लगाएं, तो मैं क्लियर कर दूं वायरिंग दो तरह की होती है इसको, सी और डी। सी को बोला जाता है कैपेसिटर वायरिंग और डी को बोला जाता है डायरेक्ट वायरिंग। इन दोनों में बहुत फर्क होता है, चलिए आगे के वीडियो में इसके बारे में खुल के बात करेंगे। अच्छी तरह से लग गया। ये दोस्तों न्यूट्रल जो बनाना है लीजिए दोस्तों, अब ये न्यूट्रल का वायर है, ये हमने इसको न्यूट्रल देना, इसका भी मिनती कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक वायरिंग आप चाहते हैं अच्छा दिखे तो तारों को पूरा पूरा ही डालें, लूज तार मत डालें। अब दोस्तों अगर आपको वोल्टेज मीटर तो यहीं से चलेगा पुश करने से, अगर चाहते हैं पावर 24 घंटे चलता रहे ऑन रहे तो यहां पर एन, जो एन लिखा हुआ है वहां पर लगा दे। और अगर चाहते हैं जब मोटर ऑन हो तभी जगह तो यहां पर मोटर का बी तार है यहाँ पर लगा दें। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप बी वायर पर लगा दें। लीजिए भाइयों, ये सर्किट पूरा हो चुका है। यहाँ से आपने फेस लिया यहाँ पर आ गया और यहाँ से फेस लेके इधर से स्विच से घुमाकर वोल्टेज मीटर को दे दिया और न्यूट्रल लिया है यहाँ से। ये न्यूट्रल आ गया, इंडिकेटर पर आ गया और यहाँ से डायरेक्ट हमने वोल्टेज मीटर को दे दिया। ये तारें टाई लॉक लगा के हमने बढ़िया कर देंगे। लीजिए दोस्तों, ऐसे लगता है वोल्टेज मीटर और इंडिकेटर। अब आगे ये बटन कैसे ज्वाइंट होता है, कैपेसिटर कैसे लगता है, इसका वीडियो देंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा प्यार मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।